ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਰਹਾ ਹੈ ये जो गुरु परंपरा के कारण से इस देश को बचाने में जो बलिदान हुए हैं ना वो पीढ़ियां तक याद रहेगा। उस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर जो कुछ भी मैं भी सेवा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। पहला भी तजर्बा रहा है कि मैं देख दो तो उस तजर्बे के नाल क्योंकि पिछले गवर्नर साहब के नाल कितने कितने कुछ तलख माहौल भी रहा। देखो मैं कोशिश ये करेंगे कि मिल करके काम करेंगे, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम सब हैं तो जनता के सेवक, हमारी जो लक्ष्य है वो तो जनता है, उसकी सेवा करने में जिस प्रकार से भी मदद एक दूसरे की हो सकती करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਾਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੜਾਨੇ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਉਤਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਰਹਾ ਹੈ, ये जो गुरु परंपरा के कारण से इस देश को बचाने में जो बलिदान हुए हैं ना वो पीढ़ियां तक याद रहेगा। उस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर जो कुछ भी मैं भी सेवा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। पहला भी तजर्बा रहा कि मैं देख दो तो उस तजर्बे के नाल क्योंकि पिछले गवर्नर साहब के नाल कितने कितने कुछ तलख माहौल भी रहा। देखो मैं कोशिश ये करेंगे कि मिल करके काम करेंगे, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम सब हैं तो जनता के सेवक, हमारी जो लक्ष्य है वो तो जनता है, उसकी सेवा करने में जिस प्रकार से भी मदद एक दूसरे की हो सकती करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਾਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੜਾਨੇ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਉਤਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਰਹਾ ਹੈ, ये जो गुरु परंपरा के कारण से इस देश को बचाने में जो बलिदान हुए हैं ना वो पीढ़ियां तक याद रहेगा। उस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर जो कुछ भी मैं भी सेवा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। पहला भी तजर्बा रहा कि मैं देख दो तो उस तजर्बे के नाल क्योंकि पिछले गवर्नर साहब के नाल कितने कितने कुछ तलख माहौल भी रहा। देखो मैं कोशिश ये करेंगे कि मिल करके काम करेंगे, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम सब हैं तो जनता के सेवक, हमारी जो लक्ष्य है वो तो जनता है, उसकी सेवा करने में जिस प्रकार से भी मदद एक दूसरे की हो सकती करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਾਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੜਾਨੇ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਉਤਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਰਹਾ ਹੈ, ये जो गुरु परंपरा के कारण से इस देश को बचाने में जो बलिदान हुए हैं ना वो पीढ़ियां तक याद रहेगा। उस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ कि उस धरती पर जो कुछ भी मैं भी सेवा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। पहला भी तजर्बा रहा कि मैं देख दो तो उस तजर्बे के नाल क्योंकि पिछले गवर्नर साहब के नाल कितने कितने कुछ तलख माहौल भी रहा। देखो मैं कोशिश ये करेंगे कि मिल करके काम करेंगे, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम सब हैं तो जनता के सेवक, हमारी जो लक्ष्य है वो तो जनता है, उसकी सेवा करने में जिस प्रकार से भी मदद एक दूसरे की हो सकती करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੜਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਮਾਨ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਰਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਕੋ ਬੜਾਨੇ ਮੇਂ ਜਿਤਨੀ ਮੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਉਤਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇਂ ਰਹਾ ਹੈ, ये जो गुरु परंपरा के कारण से इस देश को बचाने में जो बलिदान हुए हैं ना वो पीढ़ियां तक याद रहेगा। उस धरती पर मुझे आने का सौभाग्य मिला, मैं भाग्यशाली हूँ
कि उस धरती पर जो कुछ भी मैं भी सेवा कर सकता हूँ करने का प्रयास करूँ। पहला भी तजर्बा रहा कि देखते हो तो उस तजर्बे क्योंकि पिछले गवर्नर साहब के नाल कितने कितने कुछ तलख माहौल भी रहा। देखो मैं कोशिश ये करेंगे कि मिल करके काम करेंगे, अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम सब हैं तो जनता के सेवक, हमारी जो लक्ष्य है वो तो जनता है, उसकी सेवा करने में जिस प्रकार से भी मदद एक दूसरे की हो सकती करेंगे। तो पंजाब दे विच किन चीजों तुम लगता है कि प्रायोरिटी की जरूरत है, तुसी क्योंकि तुहाडा एक्सपीरियंस बड़ा है और तुसी मुझे लगता है कि स्टडी कर लिया होना सब कुछ। देखो मैं सोचता हूँ पंजाब का हमेशा देश में मान और सम्मान रहा है, मैं उसको बढ़ाने में जितनी मेरा योगदान कर सकता हूँ उतना करूंगा।